दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए आप मेरे चैनल को ताकि आप मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो को देख पाएं और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, ये आपके पास नोटिफिकेशन देता रहेगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अवनी और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गुलाब के फूल के बारे में। दोस्तों गुलाब का फूल इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि हम सब लोग चाहते हैं कि जैसा उसका कलर है, जितना वो सॉफ्ट है, वैसा कलर हमारे चेहरे पर आ जाए और हमारी स्किन इतनी ही सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 फेस पैक बताने वाली हूँ जिसमें हम लोग रोज़ पाउडर का यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों रोज़ पाउडर आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप घर का रोज़ पाउडर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, रोज़ पेटल ले लीजिए यानी कि पंखुड़ियाँ ले लीजिए गुलाब की, और आपको उसको सुखा लेना है। सुखाने के लिए बहुत ध्यान रखें, आप धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाएंगे, धूप में नहीं सुखाना होता है, हम इसे आप रूम के अंदर छाया में इसको सुखा सकते हैं। अगर आप, ये मैं बता रही हूँ, अगर आप ऑरेंज के छिलके भी अगर सुखा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी धूप में ना सुखाएं, उसको रूम में छाए में ही सुखाएं। धूप में अगर आप सुखाएंगे तो जो एक्चुअली में उसकी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, कुछ भी चीज़ अगर आप सुखा रहे हैं जो आपको चेहरे पर लगानी है तो धूप में ना सुखा के आपको छाए में सुखानी है। तो जब वो सूख जाएंगे तो हमें क्या करना है, उसको आप मिक्सी या ग्राइंडर में उसको अच्छे से पीस लीजिए और उसका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रोज़ पाउडर बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों रोज़ पाउडर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट की तरह से ये काम करता है, यानी कि आपकी बढ़ती उम्र को ये कंट्रोल में करके रखेगा। दोस्तों अगर आपके ओपन पोर्स की दिक्कत है तो उसको ये सॉल्व करता है। साथ ही अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है और या फिर जिसे हम सीबम कहते हैं, उसको ये अब्जॉर्व कर लेता है, उसको हटाता है। साथ ही आप ये एंटी बैक्टीरियल की तरह से काम करता है, यानी कि आपके चेहरे पे अगर एक्ने और पिंपल हैं उनको भी ये दूर करता है। इसके अंदर विटामिन के, सी और बी भी पाया जाता है, इसका मतलब आपकी चेहरे की रंगत को भी ये निखारता है। तो इतने सारे यूजेस हैं इसके गुलाब पाउडर के, साथ ही आपके चेहरे को मॉइस्चर भी देता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 पैक बताने वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं 3 पैक के साथ साथ आपको 3 क्लींजर भी बताऊंगी, क्योंकि आपको पैक लगाने से पहले अपने चेहरे को क्लीन करना है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें आप। तो पहला क्लींजर क्या है कि आप दही ले लीजिए 1 चम्मच और उसमें आप 1 चम्मच नींबू डाल दीजिए और उसको मिला के अपने चेहरे पर अप्लाई करें, उसको अच्छे से मसाज करें। मसाज करने के बाद क्या होगा, आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अपने फेस को वॉश करें और फिर फेस पैक लगाएं। दूसरा क्लींजर क्या है, आप स्टीम कर सकते ले सकते हैं अपने चेहरे पे। स्टीम आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, मैंने एक फुल वीडियो बनाई है स्टीम के ऊपर और काफ़ी अलग अलग वीडियो में भी मैंने अलग अलग तरीके के स्टीम बताए हुए हैं, लेकिन अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं स्टीम की तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे देख लेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और हम स्टीम लेने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे क्लींजर की। तो तीसरे क्लींजर में आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है और कच्चे दूध को अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और 10 मिनट रुकें, उसको ऐसे ही सूखने दें। 10 मिनट बाद अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए और आपका फेस जो है वो क्लीन हो जाएगा और उसके बाद आप फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थे 3 क्लींजर जिसे हमें फेस पैक से पहले अप्लाई करना है ताकि आपके जो पोर्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएं, ओपन हो जाएं, और ताकि जो पैक जो हम अप्लाई करेंगे वो आपकी डीप लेयर तक जाए और अपना अच्छे से काम करे। तो चलिए अब मैं आपको पहला फेस पैक बताती हूँ कि जिसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले फेस पैक के लिए मैं ले रही हूँ रोज़ पाउडर, और दोस्तों आप घर का भी रोज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच दही। अब 2 चम्मच दही में आप 1 चम्मच रोज़ पाउडर मिला दीजिए और ये हमारा फेस पैक बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे ओपन पोर्स के लिए, साथ ही साथ ये आपके चेहरे की रंगत को निखारता है और आपके चेहरे को क्लीन भी करता है। दोस्तों अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है और हमेशा आप इस प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं कि आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है जिसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें आती हैं, तो आप ये फेस पैक ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये फेस पैक चेहरे पर लगाने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दें और ये अपना आप ही सूखना चाहिए, इसको आप पंखे के आगे बिल्कुल ना बैठें, ये अपना आप जब सूख जाए और फिर उसके बाद अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। हफ्ते में आप ये 3 बार यूज़ ज़रूर करें। अब चलते हैं अपने दूसरे फेस पैक पर। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच चावल का आटा, रोज़ पाउडर और हनी,
और एक चम्मच हम ले रहे हैं यहाँ पे एलोवेरा जेल, आप नेचुरल एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक चम्मच चावल के आटे में आधा चम्मच हमने रोज़ पाउडर डाला है, आधा चम्मच एलोवेरा जेल और एक चम्मच हनी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा जो पैक है बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्ने रहते हैं, पिम्पल्स रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली अगर उनके निशान तक हैं तो वो भी इस फेस पैक से दूर हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको अपने चेहरे पर ये पैक अप्लाई करना है और ये पैक अप्लाई करने के बाद आप इसे सूखने दें नेचुरली। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसको पंखे के आगे ना बैठें, जब ये अच्छे से सूख जाए तो हम क्या करेंगे, ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करेंगे। ये भी आप हफ्ते में 3 बार यूज़ करें। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले फेस पैक पर, जिसके लिए हमें चाहिए रोज़ पाउडर और यहाँ पर हम ओट्स का यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका पेस्ट बनाने के लिए हमें कच्चे दूध की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखें कच्चा दूध ही लें दोस्तों। एक चम्मच ओट्स, आधा चम्मच रोज पाउडर और दूध को हमें इस हिसाब से डालना है कि इसका पेस्ट बन जाए, फिर आपका 2 या 3 चम्मच आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा जो फेस पैक है वो बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो ये हमारे चेहरे से डेड सेल्स को दूर करता है, एक्सफोलिएट करता है, और स्पेशली जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो स्क्रबर यूज़ नहीं कर पाते हैं, दाने निकल जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आप स्क्रबर का यूज़ नहीं कर पाते हैं तो आप ये फेस पैक ज़रूर यूज़ करें। और जब आप इसको सूखने के बाद जब अपने चेहरे से वॉश करेंगे तो आप इसको हल्का सा मसाज करते हुए इसको उतारें, तो वो क्या करेगा, आपके चेहरे से जो डेड सेल्स होंगे वो उसको हटाएगा। और अगर दोस्तों अगर आपके चेहरे पे बहुत ही कम उम्र में एज साइंस दिखाई देने शुरू हो गए हैं तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको भी आप वीक में 3 बार यूज़ करें। हमारे 3 बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फेस पैक बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जो आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। आप इन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक फेस पैक आप चूज़ कर लीजिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग और आप उसको यूज़ करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुँचे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। चलिए अब मिलते हैं आपसे अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप वीडियो पर पहुंच जाएंगे।